नमस्कार किसान भाइयों, आशा है कुशल मंगल होंगे। दोस्तों, अब कुशल मंगल वास्तव में आप में से किसी ने लिखा था कि अब कुशल मंगल कहाँ है। सही बात है, कुशल मंगल कहाँ है, लेकिन हमें हौसला और धैर्य नहीं छोड़ना चाहिए। चाहे कुछ कुछ भी परिस्थितियाँ हों दोस्तों, आलू को उसी व्यक्ति को करना चाहिए जो हर परिस्थिति में खुश रहे, और किसान तो हर परिस्थिति में खुश रहता है। निश्चित रूप से नुकसान हुआ है, मुझे भी नुकसान हुआ है, पर अब और कर भी क्या सकते हैं दोस्तों। अगर हम सब मिलकर के भी अगर दुख मनाएं तो हम अपना फायदा तो कर नहीं सकते। तो जैसा भी है ठीक है, ईश्वर ने इस बार नुकसान कर दिया, अगली बार फायदा करें उठक भी देगा, तो हमें खुश रहना चाहिए। इसीलिए मैं तो हमेशा यही कहूँगा कि आप हमेशा कुशल मंगल रहें। अब सुबह सुबह मेरे आने का प्रायोजन केवल वही है कि मैं बांग्लादेश जो आलू के निर्यात की रिपोर्ट आपको देता हूँ, कल कल जो क्या हुआ है उसकी रिपोर्ट देता हूँ, बांग्लादेश में क्या परिस्थितियाँ हैं उसकी भी रिपोर्ट देता हूँ। आइए शुरू करते हैं। मैं हूँ आपका डॉक्टर के भारद्वाज, और आप देख रहे हैं ब्रजरज कृषि फार्म यूट्यूब चैनल। दोस्तों, भाव तो हम बाद में बताएंगे, दिल्ली मंडी की रिपोर्ट होती है इस समय हमारे पास, वो आप चाहेंगे तो बता देंगे। दोस्तों, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली बांग्लादेश से जो आलू निर्यात हो रहा है उसकी। तो बांग्लादेश से 52 गाड़ियाँ जो है पहुंची थी 7 तारीख को, रवाना हुई थी, जिसमें से वहाँ पर 15 गाड़ियाँ बैलेंस बच गई। उसका वीडियो इसमें है, आप देखें कि क्या स्थिति है, किस तरह से कुछ लोग अभी भी ये कह रहे हैं कि कहीं आलू बांग्लादेश नहीं जा रहा। तो बॉर्डर पे जो गाड़ियों से माल ट्रांसफ़र होता है उसका वीडियो हमने दिया है। हमारे जो हैं एक व्यूवर भाई हैं, हमारे बहुत ज़्यादा प्रिय हैं, उन्होंने हमें वीडियो अवेलेबल कराया, तो आप देख लीजिएगा उसको। साथ ही इसमें बांग्लादेश की परिस्थितियाँ बड़ी विचित्र चल रही हैं इस समय दोस्तों। आप देख रहे होंगे बीएनपी पार्टी वहाँ पर विरोध प्रदर्शन कर रही है, कई जगह आगजनी की गई, रेलवे ट्रैक पर आग लगाई गई, और बस ट्रक रो गए, रोड पर बैठ गए, यानी कि आवागमन को बाधित किया जा रहा है। कई जगह विरोध प्रदर्शन किए जा रहे हैं, हड़ताल की जा रही है। इसकी वजह से जो है इसमें ट्रांसपोर्टेशन में, आलू के ट्रांसपोर्टेशन में बहुत ज़्यादा है परेशानियाँ जो व्यापारियों को आ रही हैं। अब इन परिस्थितियों की वजह से जो है 15 जो ट्रक हैं वो खड़े रह गए थे, वो नहीं जा पाए थे, खाली नहीं हो पाए थे। उसका ये वीडियो है, और जो परिस्थितियाँ बांग्लादेश में चल रही हैं वो बहुत ज़्यादा इस समय परेशानी का कारण बन रही है व्यापारियों के लिए। निश्चित रूप से हम आशा करते हैं कि जल्दी ही ये सब परेशानियां समाप्त हो जाएंगी और व्यापारियों को जो है बांग्लादेश से और भारत से, हम ये कह सकते हैं भारत बांग्लादेश व्यापार सुचारू रूप से हो पाएगा, और उत्तर प्रदेश से भी आलू जाने की उम्मीद है दोस्तों, बढ़िया आलू। लेकिन अब चूंकि पश्चिम बंगाल में ही पर्याप्त आलू और वहीं से इधर उधर से काफ़ी मात्रा में जा रहा है, तो और उत्तर प्रदेश में जो ट्रक गए हैं वो पहले ही चले गए, अब नया कहीं से कोई सूचना हमें प्राप्त नहीं हुई है। लेकिन दिसंबर की जो बात है कि दिसंबर से और पंजाब से आलू जाएगा, तो ये पंजाब के किसानों के लिए एक खुशखबरी साबित हो सकती है। परसों खड़ी गाड़ियां जो बॉर्डर पे आपने देखी, और कल जो ट्रक गए हैं बांग्लादेश, उन ट्रकों की संख्या दोस्तों कंफर्म तो नहीं आई, एकदम एग्जैक्ट प्रमाणित आंकड़ा तो नहीं हमारे पास, लेकिन जो जानकारी में आया वो ये है कि 30 से 40 ट्रक जो है कल बांग्लादेश के लिए भारत से गए हैं, जो कि उसी बॉर्डर से पश्चिम बंगाल के रास्ते से गए हैं। तो ये तो था दोस्तों बांग्लादेश आलू निर्यात की सूचना। साथ ही हम आपको बता दें कि नए गाड़ी आलू की संख्या दिल्ली आज़ादपुर मंडी में फिर से बढ़ने लगी है, और बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू लोकल मंडियों में भी सप्लाई हो रहा है। आज की अगर बात करें तो जो है गाड़ियों की संख्या, कल जो बिक्री हुई दिल्ली आज़ादपुर मंडी में, परसों के मुकाबले काफ़ी कम रही बिक्री। परसों 99 गाड़ी बिक्री हुई थी, और कल जो बिक्री हुई है वो केवल 75 गाड़ियों की बिक्री हुई है, और त्योहारी सीजन पर बिक्री का कम होना, ये थोड़ा सा बात समझ में नहीं आती कि आखिर कारण क्या है। और नई गाड़ी आज 82 पहुंची है, और कल की 51 75 126 में से 75 बिक्री हुई, तो 51 बैलेंस बच गई दोस्तों। और 51 में और 82 आज नई गाड़ी पहुंच गई, तो टोटल 133 गाड़ियां हैं, जिसमें से अगर हम बात करें सीधे कोल्ड स्टोरेज से जाने वाली गाड़ियों की, तो वो हैं 47, और चिप्सोना की 35 और सूर्या की 20, यानी कि आगरा अलीगढ़ के साइड से जो गाड़ी पहुंची है वो 47 हैं, और चंदौसी संभल का चिप्सोना और सूर्या जो पहुँचा है वो 55 गाड़ियाँ पहुँची हैं, और लाल आलू की 9 गाड़ियां हैं, पंजाब की 5 गाड़ियां हैं, और नया आलू जो पहुंचा है वो
13 गाड़ियां पहुंची हैं दोस्तों, 13 क्या 11 नहीं पहुंची हैं, दो कल की बैलेंस, इसमें से भी बैलेंस बच गई। तो आलू की बिक्री को लेकर के बड़ा आश्चर्य होता है कि आलू के आखिर हो क्या रहा है। आलू की बिक्री अब त्योहारी सीजन भी है ना, तो नए आलू की बिक्री हो रही है ना पुराने आलू की बिक्री हो रही है, तो कुछ समझ से बाहर चल रहा है मार्केट दोस्तों। कुछ कह नहीं सकते आगे क्या होगा, हमसे केवल शुभकामनाएं दे सकते हैं। उसका कारण है दोस्तों, आलू की बिक्री मंडी से न होने का मैं आपको कारण सुझाव बताता हूँ। आपने देखा होगा कि कुछ ऐसे लोग भी सक्रिय हैं, किसान भी हो सकते हैं, और या फिर वो जाली के पैकेटों में 30-30, 35-35 किलो की पैकिंग करने के बाद और ट्रैक्टरों में भर करके 200-150-200 रुपए में गली गली में आलू को बेच रहे हैं। ये मथुरा में भी हो रहा है, ये आगरा में भी हो रहा है, और ये कस्बों में भी छोटे छोटे में हो रहा है, और ये दिल्ली में भी हो रहा है। अब बताइए, जब आपने ही माहौल ख़राब कर दिया है या ऐसे लोगों ने माहौल ख़राब कर दिया है, तो आलू को बढ़ाने की उम्मीद आप किससे कर रहे हैं, तो आप किसको दोष देंगे? तो सबसे पहले तो हमें धैर्य रखना चाहिए, और जिस तरह से आपने धैर्य तोड़ करके और छोटे पैकेटों, अब आप वहाँ तो उपभोक्ता कह रहा है कि भैया मुझे 200 रुपये की बोरी मिल रही है, अब बोरी का वजन तो तोलना नहीं है, हैं, और उसमें हाइब्रिड भी मिला दिया, सब मिला दिया, और उसको दे रहे हैं कि भाई ये चिप्सोन आलू है, कि ये शुगर फ्री आलू है, कि ये फलाना आलू है। तो इस तरह से कुछ धोखेबाजों ने जो मार्केट की स्थिति को ख़राब कर दिया दोस्तों। नहीं तो ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस समय इतनी कम आलू की बिक्री हो। तो सबसे पहले तो समझदारी का परिचय ऐसे लोगों को देना चाहिए, वो कौन लोग हैं ये आप ही बताएंगे दोस्तों। आज अभी के लिए वीडियो में इतना ही, दोपहर को पुनः उपस्थित होंगे आपके सामने मंडियों के भाव लेकर के। बहुत बहुत नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। हमें एक ड्राइवर 9233 गाड़ी, हमार नाम गाड़ी नंबर हे 9233 WB65C 9233। देखें ये गाड़ीगुलो खाली हे, आज के बॉर्डर 30-40 गाड़ी ढुके, 30-40 गाड़ी ढुके, गाड़ीगुली खाली हे, गाड़ी खाली हे, এবং আমার গাড়িটা খালি হচ্ছে, তার ভিডিও দেখাচ্ছি আপনাদের। বর্ডারের ভিতরে আমরা আছি, খুব আমার যে পার্টিটা আলু লোড দিয়েছে তাকে এগুলো দেখানোর জন্য আমি তাকে ভিডিওটা করছি, এবং এখানকার মানুষকে দেখানোর জন্য ভিডিওটা করছি। আমি বাংলাদেশ বর্ডারে, দেখুন আমার গাড়ি খালি হচ্ছে এখন। এটা আমার গাড়ি নাম্বার 9233 WB65C, এটা আমার গাড়ি নাম্বার, হ্যাঁ এটা আমার গাড়ি নাম্বার। আমার গাড়ি খালি হচ্ছে, আমার আলুর কোয়ালিটিটা খুব ভালো, আমাকে যে পার্টি লোড দিয়েছে গাড়ি ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে চারটে পার্টি এসছে, চারটে পার্টিই বলছে আমার মালটা নেব, কাকে দেবো না দেবো কোনো ঠিক নেই। যাই হোক, আমার গাড়ি আজকে খালি হচ্ছে, এই দেখুন এখন আরও আশেপাশে অনেক গাড়ি রয়েছে, তার মধ্যে আমার গাড়িটাই আগে খালি হচ্ছে। আমার পার্টি মানে যে যে পার্টি মাল লোড দিয়েছে এত সুন্দর কোয়ালিটি দিয়েছে মালটা, এই দেখুন আরও গাড়ি দাঁড়িয়ে আছে, হ্যাঁ আরও একটা 12 চাকা দাঁড়িয়ে রয়েছে, এটা আমার গাড়ি 14 চাকা, এই একটা গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে 0631, এই গাড়িটাও খালি হবে, প্রস্তুতি নিচ্ছে, খালি হবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে, লেবার উঠেছে ওপরে। এই দেখুন আরও গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, ওই দেখুন, ওই দেখুন গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আজকে 30-40 বর্ডারে গাড়ি ঢুকেছে, এই দেখুন এই যে গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, আলুর গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, কিন্তু আমার গাড়িটা খালি হচ্ছে। আপনাদের দেখালাম, আরও পিছন থেকে একবার গিয়ে দেখাই, আমাকে যে মালটা পাঠিয়েছে না পার্টি, অ্যাকচুয়ালি মালটা একদম সুপার মাল দিয়েছে, এখানকার পার্টি একদম ঝ্যাম করে নিয়ে নিয়েছে মালটা, দেখাচ্ছি আপনাদের। এই দেখুন অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই দেখুন দেখতে পাচ্ছেন আপনারা অনেক গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই দেখুন লেবার উপরে চেপে আছে গাড়ি, ওই একটা আলু গাড়ি দেখাচ্ছি আপনাদের, ওই দেখুন সব আলু গাড়ি দেখতে পাচ্ছেন আপনারা, জুম করলে দেখতে পাবেন, হ্যাঁ এই দেখুন আলু গাড়ি দাঁড়িয়ে রয়েছে, এই দেখুন আলু গাড়ি, এটা খালি হবে বলে প্রস্তুতি নিচ্ছে, 0631 প্রস্তুতি নিচ্ছে, এটা আমার পার্টিরই গাড়িটা পাঠিয়েছে, এই দেখুন আমার গাড়ি খালি হচ্ছে, হ্যাঁ আলুটা সুপার আলু বেরিয়েছে, কোনো অসুবিধা নেই, তার মধ্যে একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা একটুখানি ছোটো, একটু ছোটো সাইজ আছে পাঁচটা, তাছাড়া সব কোয়ালিটি ভালো, তার ছবি পাঠাচ্ছি, এই দেখুন এটা আমার গাড়ি খালি হচ্ছে, তার বিবরণ দিচ্ছি আপনাদের, হ্যাঁ আচ্ছা আশেপাশে অনেক গাড়ি আছে, অত ছবি তোলার এখানে নেটের খুব প্রবলেম, কারণ আমাদের ওয়েস্ট বেঙ্গলের সিম, তো ওই জন্য এখানে নেটের খুব প্রবলেম, ছবি তোলা অসুবিধা হচ্ছে। এটা আমার গাড়ি লোড হচ্ছে, ওই গাড়িতে খালি হয়ে এটা এই গাড়িতে লোড হচ্ছে, আমার ফোন নাম্বারটা শেয়ার করছি এর মধ্যে লিখে, 9800
লিখে নেবেন 9800426999 9800426999 এটা আমার নাম্বার, আমি একজন ড্রাইভার WB65C 9233। এই দেখুন আমার গাড়ি খালি হচ্ছে, দেখুন লেবার মাথায় করে নিচ্ছে, বস্তা নিচ্ছে, খালি হচ্ছে। এরকম লেবার বস্তায় করে নিয়ে মাথায় করে নিয়ে আসছে, খালি হচ্ছে, দেখছেন।